ये हमने फोकला में प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल करे हैं, हमने 200 वाट की एलईडी इंस्टॉल करी है, अलॉय भी डाले भैया, ये भी वो आफ्टर मार्केट होती है भैया, ये भी हमने डब्बा पैक ही लगाते भैया, देखो हम पुराना लगाते ही नहीं है, डब्बा पैक ही मिरर होता है अपने पास। उसके बाद कैमरा भी हमने OEM ही इंस्टॉल करे है इसमें, और भी हमने GT लाइन में ही लुक दिया बिल्कुल ब्लैक और रेड का। ठीक है भैया, सीट कवर की लाइफ टाइम गारंटी होती है, 9 इंच भी लगाई है, 10.3 भी लगाया है, आज हम प्रॉपर 13 इंच भी लगाया है भैया। तो 13 इंच का डिस्प्ले प्रॉपर फ्रेम, प्रॉपर फ्रेम के साथ, पियानो ब्लैक फ्रेम के साथ, मीटर टू मीटर है भैया एक्यूरेट। पीछे से लुक आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि एक अच्छी क्वालिटी है। हाँ जी, टच का रिस्पांस यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी सुभाष कार स्टूडियो करोल बाग में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सोनेट की बात करी थी और आज हम बात करने वाले हैं सेल्टोस की। फेसलिफ्ट है, बेस मॉडल रहने वाला है, HTE के नाम से आता है और काफी कुछ काम जो है इस वाली कार के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम फ्रंट प्रोफाइल से अपडेट की बात कर लेते हैं तो इस वाली जो हेडलाइट है इसके अंदर आपको मिलता है हेलोजन बल्ब, इसके अंदर 200 वॉट की हेडलाइट LED जो है उसका जो इंस्टॉलेशन है वो किया जाएगा, साथ साथ पार्किंग बल्ब को जो चेंज करेंगे। फॉग लाइट इस मॉडल के अंदर नहीं आती है, तो अपने प्रोजेक्टर वाली जो फॉग लाइट है प्रॉपर फ्रेम वगैरह के साथ जो है उसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा आउटसाइड रियर व्यू मिरर देख रहे हो, यहाँ पे अपने निकल चुके हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर का जो काम है वो किया जाना है। ऑटो फोल्ड वाले अपने जो मिरर्स हैं वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे। एलॉय व्हील्स जो है वो भैया ने यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये आफ्टर मार्केट का डिजाइन जो है वो सिलेक्ट किया है, ये लग चुका है। इसके अलावा यहाँ पे अपने जो डोर वाइजर्स हैं क्रोम लाइन वाले वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, अभी रूफ फिल का लगना बाकी है, पीछे स्पॉइलर जो है वो भी इंस्टॉल किया जाएगा। रियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे रियर में काम जो है वो अपने कैमरे का जो है वो रहेगा, कैमरा लगेगा वो आपको दिखा देंगे। इसके अलावा अंदर से आपको दिखाते हैं अंदर से क्या कुछ अपडेट रहने वाले हैं। तो दरवाजों में जो डैम्पिंग का काम है वो किया जा चुका है, कोको डिजाइन की जो डबल लेयर डैम्पिंग शीट है वो इस वाली कार के अंदर लग चुकी है, एक शीट अंदर की तरफ यहाँ पर रहने वाली है और एक शीट बाहर की तरफ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। डबल लेयर जो है वो अपनी बेसिकली रहने वाली चार दरवाजों में जो है इसका काम यहाँ पे हो चुका है और अभी फ्रंट डोर्स का काम जो है वो चल ही रहा है। स्पीकर लगने वाले हैं अपने चार दरवाजों में, स्पीकर्स लगेंगे और इसमें म्यूजिक सिस्टम अपने इस वाली कार के अंदर नहीं आता है, तो 13 इंच के अपने जो साइज के साथ जो 13 इंच का डिस्प्ले रहेगा वो वाला डिस्प्ले इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं प्रॉपर फ्रेम वगैरह के साथ। इसके अलावा दोस्तों इस माउंटेड ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल किया जाने वाले जो है वो भी इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जो मिरर यहाँ पे रिप्लेस हुआ था वो यहाँ पे अभी रखा हुआ है और ओरिजिनल जो अपने मिरर्स हैं वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी जब लगते हैं तो आपको मैं दिखा दूंगा। तो अभी जो है गाड़ी के अंदर काम ऑन प्रोसेस है, आगे बढ़ता है, रियर साइड डिटेल जो है वो आप लोगों को मैं चेक करवाता हूँ। दोस्तों अपडेट की बात कर लेते हैं क्या कुछ काम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे रूफ रेल जो है वो लग चुकी है, डोर वाइजर जो है वो लग चुके हैं, हैंडल के ऊपर क्रोम का काम जो है वो कंप्लीट है। अंदर आते हैं तो यहाँ पे मिरर जो है वो भी अपने इंस्टॉल किए जा चुके हैं, अपने स्पीकर जो है वो लग चुके हैं पाइनियर के, फ्रंट डोर के अंदर कॉम्पोनेंट स्पीकर जो है वो लग चुके हैं। रियर डोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कॉम्पोनेंट स्पीकर का सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया जा चुका है, म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पैनल वगैरह पैक करना है। यहाँ पे आप देखोगे अपना एम्प वगैरह काम जो है वो चल रहा है, वहाँ पे स्पीकर जो है वो सेट किए जा रहे हैं, सीट कवर जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो गाड़ी का काम ऑन पैकिंग हो चुका है, फ्रंट से भी फॉग लाइट वगैरह काम जो है वो बाकी है, एक बार वो हो जाता है फिर आपको चेक करवाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली अपनी सेल्टोस का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं एक बार सुभाष भाई। सुभाष भाई कैसे हो आप? बढ़िया भैया। तो क्या कुछ किया है इस सारी कार के अंदर आपने? इसमें ऑलमोस्ट सारा काम है भैया, A to Z जो होता है सब चीज है। ठीक है, सामने से अगर आप बात करें क्या कुछ लगा? सामने देखो भैया हमने फोकला में प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल करे हैं, ये अपने एक बार पहले भी हम लोग लगा चुके हैं। बहुत बार लगा रखे हैं, एक बार नहीं बहुत बार लगा रखे हैं। हाँ, उसके बाद इसमें 180 वाट की LED इंस्टॉल करी है भैया। ठीक है, उसके बाद ऊपर हमने 200 वाट की LED इंस्टॉल करी है हेडलाइट के अंदर, अपर डिपर दोनों इसके अंदर ही है। उसके बाद हमने इस बल्ब भी आपको व्हाइट कर दिया, तो पूरा LED सेटअप जो है वो आपको सामने से देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल लुक आप जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको दिख रहा है, और सामने रिस्पॉन्स जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको कैसा कुछ जो है वो मिलने वाला है, ब्राइट सेटअप जो है वो लगने वाला है। वारंटी वगैरह क्या मिल जाती है? 2 साल की होती है भैया जी, सभी की ऊपर नीचे दोनों को 2 साल की आएगी। साइड प्रोफाइल में मैंने 18 इंच के इसमें अलॉय व्हील डाले भैया, अभी वो आफ्टर मार्केट होती है भैया, और किया का अपना प्रॉपर जो लोगो है वो आपको सेंटर में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लुक जो है वो पूरा लुक किस तरीके का आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा क्या लगा अपना? इसके वजह हमने साइड मिरर भी चेंज करे हैं, साइड मिरर ये भी हमने डब्बा पैक ही लगाते भैया, देखो हम पुराना लगाते ही नहीं है, डब्बा पैक ही मिरर होता है अपने पास, जो भी मिरर का डब्बा पैक है। पुराना आपका 12,500 रुपये कॉस्ट करता है, ये 16,500 कॉस्ट करेगा भैया। अच्छा, अगर कोई कहता है मैं 50% दे रहा हूँ, 60% दे, 40% दे रहा हूँ, वैसे ही उसको बोलो डब्बा पैक मिरर दे, उसके बाद वो घुमाने वाला काम है, ये डब्बा पैक मिरर आपको मिलेगा और ये रेट यही होती है भैया जी। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें रेन वाइजर इंस्टॉल करी है 4 पीस का। हाँ जी, ठीक है भैया। इसके बाद रूफ रेल भी हमने इसमें पियानो ब्लैक इंस्टॉल करी है, इसमें डिमांड नहीं थी सिल्वर, हमने पियानो ब्लैक इंस्टॉल करी है भैया। ठीक है जी, ठीक है भैया। उसके बाद रियर में रियर स्पॉइलर इंस्टॉल करी है, ये आप चेक कर लीजिए, ये भी आपका जेन्युइन नहीं होती है भैया, पियानो ब्लैक ही होता है, अपना मैच कर जाएगा पूरा, उसके हिसाब से जो है वो रहने वाला है भैया। उसके बाद कैमरा भी हमने OEM ही इंस्टॉल करे है इसमें,
नंबर प्लेट के ऊपर मूविंग गाइडलाइन कैमरा है, बिल्कुल जेनुइन कैमरा है। उसके बाद पार्सल ट्रेन इंस्टॉल करिए भैया, ये नहीं आती इसमें, नहीं ये नहीं आती बेस मॉडल में, कैसी आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट है भैया ये। उसके बाद हमने देखो इसमें सोनी का एंक्लोजर भी इंस्टॉल करिए पीछे, जो मिरर है इनका पुराना वो निकाल के हमने इसमें डाल दिया गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। कोई वो नहीं है कि आप तो मिरर मोटर लगाएंगे या दूसरा काम। इसमें देखो 200 वाट की आपके ट्रैक्सर ब्रांड की एलईडी लगाई है, ठीक है जी। तो ये बाहर सारा काम, बाहर से सारा काम वो रहने वाला है। अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों आ जाते हैं कार के इंटीरियर के अंदर, यहाँ पे काफी कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर से क्या क्या रहेगा सुबह? अंदर से भैया देखो तो हमने सबसे पहले एम्बियंस लाइट इंस्टॉल करी है भैया, कितने पीस रहेगी? 6 पीस में भैया। और ये K3 है K4 है? K3 है भैया जी। 4 पीस आपको दरवाजों में, 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमने स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल इंस्टॉल करी है, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी लगाए हैं, वो भी अवेलेबल है, क्रूज कस्टमर की डिमांड नहीं थी इसलिए क्रूज हमने लगाए नहीं है, तो ये भी चाहे आप लगवा सकते हो। उसके बाद स्टेरिंग भी हमने देखो जिग-जैग जो टॉप मॉडल में आता है, सेम वो स्टेरिंग रैप करी है भैया, बहुत अच्छे से यहाँ पे हो चुका है अपना काम, फुल ब्लैक में, फुल ब्लैक में। और इसमें सीट कवर भी हमने GT लाइन में ही लुक दिया, बिल्कुल ब्लैक और रेड का, ठीक है भैया। सीट कवर की लाइफ टाइम गारंटी होती है, सीट कवर जो है वो 5,500 वाले लगा, सीट कवर कॉस्ट आपका 8,500 रुपये कॉस्ट करता है। अलग अलग रेंज है, अलग अलग रेंज है, अलग अलग क्वालिटी, आप इसमें जोन सी मर्जी कलर लो सारे कलर अपने पास अवेलेबल होगा। जो टॉप मॉडल मैंगो कलर आता है, ब्लैक व्हाइट आता है, ब्लैक रेड है, वो सारा कलर आपके पास स्टॉक में होगा, मिल जाएगा। हैंड टू हैंड बना, कहीं से कोई एक बट भी नहीं आएगा, बिल्कुल सीट कवर होगा जेनुइन और लाइफ टाइम वारंटी होगी सीट कवर्स की, ठीक है जी। जेनुइन लाइफ टाइम वारंटी, देखो पीछे भी कोई सलवट है नहीं, बिल्कुल इक्वली आएगी, ये नहीं जी कहीं कान पे सलवट आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, वो कोई कहीं नहीं होगी भैया जी, प्रॉपर जेनुइन, प्रॉपर जेनुइन काम होगा भैया। उसके बाद हमने उसमें दो GFX की मैट डाली है, प्रॉपर यहाँ पर चेक कर लीजिए, अच्छी क्वालिटी का मैट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, प्रॉपर इसको सेट कर दिया गया, और यहाँ पे GFX की जो बैजिंग है वो भी मिल जाएगी आपको दोनों साइडों में, ठीक है जी। इसके अलावा उसके बाद हमने देखो भैया अपने पास 9 इंच भी लगाई है, 10.3 भी लगाया है, आज हम प्रॉपर 13 इंच भी लगाया है भैया। तो 13 इंच का डिस्प्ले प्रॉपर फ्रेम के प्रॉपर फ्रेम के साथ, पियानो ब्लैक फ्रेम के साथ, मीटर टू मीटर है भैया एक्यूरेट। पीछे से लुक आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब की एक अच्छी क्वालिटी है। हाँ जी, टच का रिस्पांस यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, कंपनी में तो इसे छोटा आता है साइज से, कंपनी भी है आपका 10.5 इंच के आसपास आता है, ये तो आपको प्रॉपर 13 इंच का है सर। हाँ, वो 10.25 होता है। हाँ, ये आपका हमने 13 इंच का प्रॉपर आपका पियानो ब्लैक के साथ लगाया है सर, प्रॉपर फिटेड टू फिटेड। और इसमें भी अपने पास 2-3 कंपनी अवेलेबल है, दोनों तीनों कंपनी मिल जाएगा, जो सी कंपनी आपको जो आपको सही लगे, हाइब्रिड है, अल्ट्रा ऑडियो है, हाइपरसोनिक है, ये तीनों कंपनी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। कैमरा वगैरह लगा है इसमें, वो आपको रिस्पॉन्स जो है एक बार वो भी दिखा दो कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को साथ मिल जाएगा। तो कैमरे का रिस्पॉन्स वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, तो वाइड एंगल व्यू कैमरे का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अच्छे खासे पिक्सल्स में, मूविंग गाइडलाइन कैमरा भी, मूविंग गाइडलाइन के साथ रहने वाला, बिल्कुल भैया, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ लगा? इसके बाद हमने भैया इसमें डैम्पिंग करी थी, 2 सेट पायनियर के कंपोनेंट है, एम्पलीफायर है, वूफर्स है, ये सारा चीज साउंड सेटअप में अच्छा काम, बहुत अच्छा सेटअप है भैया, ठीक है जी, सारा काम जो है बहुत अच्छा सेटअप है। अभी हम मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ऋषभ है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? रोहिणी सेक्टर 13 दिल्ली से ही है। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? सर देखिए मैंने पहले भी अपनी 2 कार मॉडिफाई करवा रखी है, यहाँ से टॉप कन्वर्ट करवा रखी है, तो मुझे उससे पता लगा। तो मतलब आप ओल्ड यूजर कह सकते हो इस तरीके से। बिल्कुल। अब ये बताइए जिन जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए, सेल्टोस आप लेकर के आए थे, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई हैं? बिल्कुल सर, जेन्युइन चीज़ें मिली है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिली है, काम भी बहुत ही अच्छा किया है सर। और ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं काम से? सर सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं तो, ये लगा वो आप ब्रिलियंट काम किया है लोगों ने, मतलब 2 बार आप पहले भी यूज कर चुके हैं, तो उस हिसाब से कहा जाए तो ब्रिलियंट काम है सर, एक अच्छा काम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बिल्कुल सर, एक्सीलेंट काम। 10 में से अगर आपको नंबर देना हो कितने नंबर देना चाहोगे? 10 दूंगा सर मैं, पूरे नंबर जो है वो अपने रहने वाले हैं। कुछ कमी लगती हो आपको? सर बिल्कुल कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर सर, बेस टू टॉप कन्वर्ट हुआ है गाड़ी और बिल्कुल ही बढ़िया की है, फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी की है, सब कुछ बढ़िया की है। तो ओवरऑल आप जो है यहाँ से खुश होकर के जा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ सर। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आप ट्रस्ट करके यहाँ पे आ रहे हैं लगातार, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।